अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी वीडियो में जो वीडियोस यूज़ करती हूँ, जो नो कॉपीराइट इमेजेस यूज़ करती हूँ, साउंड इफेक्ट्स यूज़ करती हूँ, मुझे मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिसीव होते हैं कि ये सब मैं कहाँ से लेती हूँ और मैं कैसे इसको अपने वीडियो में यूज़ करती हूँ, मतलब कि कोई कॉपीराइट आए बगैर। तो आज आपको इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि पूरी 5 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनके थ्रू आप अपने लिए स्टॉक वीडियोस, स्टॉक इमेजेस जो कि 101% फ्री होंगी, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, हाँ से ले सकते हैं और अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास pixel.com। इस वेबसाइट पे आपको बेतहाशा स्टॉक वीडियोस जो कि फ्री होंगी बिल्कुल, और स्टॉक इमेजेस आपको मिल जाएंगी जिसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होगी। हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी की वीडियोस और इमेजेस आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगी जो कि आप यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सिंपली जाके सर्च करना होता है अपने रेलेवेंट टॉपिक का, कोई कीवर्ड यहाँ पर टाइप करना होता है और आपको उसी तरह की वीडियोस मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखना है और आपको स्पोर्ट्स के जितने भी क्लिप्स हैं वो मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री टू यूज होंगे, आपका कोई कॉपीराइट का इशू आपको नहीं आएगा अपनी वीडियो पे, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड वेबसाइट है हमारे पास जो कि बहुत जबरदस्त है, mixkit.co। mixkit पे भी आपको तमाम तरीके के जो वीडियोस हैं और इमेजेस हैं मिल जाएंगे जो कि फ्री होंगे, नो कॉपीराइट होंगे। इसके अलावा ये कि यहाँ पे आपको साउंड्स भी मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो बैकग्राउंड साउंड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपनी वीडियो पे, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको साउंड इफेक्ट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी और इजी टू यूज वेबसाइट है जो आपको नो कॉपीराइट वीडियोस और इमेजेस देती है, जिसकी क्वालिटी और रेजोल्यूशन भी अच्छा होता है। बोनस पॉइंट इस वीडियो में ये आपको दूंगी कि अगर आप किसी भी किस्म का कोई ड्रामे का क्लिप या फिल्म वगैरह अपनी वीडियो पे यूज करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली लोगों को कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से ड्रामा के क्लिप वगैरह या फिल्म के क्लिप वगैरह यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले एक और वेबसाइट की तरफ चलते हैं, विच इज नंबर 3, Pixabay। Pixabay एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट है, ये इतनी जबरदस्त वेबसाइट है जिसमें आपको रेजोल्यूशन और क्वालिटी तो साथ साथ मिलती ही है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स भी मिलते हैं। आप अगर इस्लामिक बैकग्राउंड ढूंढ रहे होते हैं, इस्लामिक बैकग्राउंड की म्यूजिक कहाँ से लें या अपने किसी व्लॉग के लिए कोई म्यूजिक कहाँ से लें, तो आपको वो सब कुछ Pixabay पे मिल जाएगा, यानी कि ये ऑल इन वन होता है। यहाँ पे आपको बेस्ट रेजोल्यूशन 4K 8K रेजोल्यूशन की वीडियोज तक मिल जाती है। इसके अलावा आपको हाई क्वालिटी की फुटेजेस मिल जाती है, इमेजेस जो कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, आप टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी की बहुत सारी ऐसी वीडियोस या इमेजेस मिल जाएंगी जो कि आप अपनी वीडियो में नॉर्मली यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स की बात करती हूँ। साउंड इफेक्ट्स मीन इस तरह का या इस तरह का जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप कोई भी किसी भी किस्म की जैसे कॉमेडी या टैग के हवाले से अगर आप साउंड इफेक्ट्स लेना चाहते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, तो आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, यानी Pixabay पे आपको मिल जाएंगी, फ्री टू यूज, 101% फ्री, नो कॉपीराइट इमेजेस एंड वीडियोस। ठीक है, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी वेबसाइट यूज करती हूँ, कहाँ से मैं ऐसी रॉयल्टी फ्री वीडियोस वगैरह लेती हूँ, तो मैं Pixabay को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, Pixabay पर्सनली इनको यूज करती हूँ मैं। नंबर 4 वेबसाइट हमारे पास है elements.invato.com, यानी Invato एलिमेंट की वेबसाइट पे जाके आप फ्री स्टॉक इमेजेस, फ्री स्टॉक वीडियोस, इसके अलावा रॉयल्टी फ्री ऑडियो भी आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। कुकिंग से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपको बेतहाशा यहाँ पे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। अगर आप इस्लामिक बैकग्राउंड, इस्लामिक वॉइसेस ढूंढ रहे हैं, इस्लामिक ऑडियो ढूंढ रहे हैं रॉयल्टी फ्री, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो मतलब आपको हर तरह की इमेजेस यहाँ से मिल जाएंगी, सारी फुटेजेस यहाँ से मिल जाएंगी। चारों वेबसाइट बहुत बेहतरीन है। अब जो मैं आपको 5वीं वेबसाइट बताने वाली हूँ वो इतनी बेहतरीन है कि अगर आपको दुनिया का कोई भी क्लिप चाहिए हो जो कि आपको इन चारों वेबसाइट्स पे भी अगर नहीं मिला तो आपको इस 5वीं वेबसाइट पे मिल जाएगा, youtube.com। तो आपको सब कुछ YouTube से बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन हाँ, इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, वो तरीका आपको आना चाहिए, तभी आपको फिर कॉपीराइट वगैरह नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपने अपने कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है जिससे रिलेटेड आपको कोई वीडियो लेनी हो। जब आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसमें कि आपको सिलेक्ट करना होता है, यानी फिल्टर का ऑप्शन आता है जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपके पास जितनी भी वीडियोस, ऑडियो, साउंड इफेक्ट्स कुछ भी आता है तो वो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात बहुत ध्यान से आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि YouTube से कोई भी ऐसी वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स सेलेक्ट करके भी ले रहे हैं तो आपने बिल्कुल एज इट इज उसको वैसे ही अपनी वीडियो पे यूज नहीं करना है, आपको कॉपीराइट का मसला आ जाता है। अब मैं पिछले एक दो दिन से मेरे पास काफी ज्यादा इस चीज के कमेंट्स रिसीव हुए हैं कि ऐसे हमें कॉपीराइट आ जाता है कि हम अपनी ऑडियो तो यूज कर रहे हैं, वीडियो किसी और की यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप इसमें मिक्स करके यूज कर सकते हो,
फिर भी हमें कॉपीराइट आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर किसी और की वीडियो भी यूज कर रहे हैं तो उस वीडियो को यूज करने का भी यही तरीका है कि आप फुल उनकी वीडियो एज इट इज यूज मत करें, एडिटिंग बढ़ा दें और साथ साथ आपने उसको थोड़े छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपने उसमें और भी मजीद कुछ क्लिप्स एड करने हैं जो कि आपके आपके खुद के भी हो सकते हैं। अगर आप अपना फेस रिवील करते हैं खुद के क्लिप्स भी हो सकते हैं, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्लिप्स हो सकते हैं, तो वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको यूज करना है, डायरेक्टली वैसे ही यूज नहीं करना। और बिल्कुल इसी तरीके से आप ड्रामों की क्लिप्स भी ले सकते हैं, आप फिल्मों की क्लिप्स भी ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया क्रिएटिव कॉमन को सिलेक्ट करके, तो आप कोई भी क्लिप ले सकते हैं और फिर आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। इन पांच वेबसाइट्स में से किसी एक भी वेबसाइट से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा इस पे, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मजीद ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।